राजेश परे जी का जो कार्य अनुभव है, इन्होंने पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को शुरू होते हुए और आज की स्थिति तक पहुंचते हुए देखा है, इस पूरे इवोल्यूशन को परे जी आप कैसे सम अप करेंगे? जो परंपरागत इंस्ट्रूमेंट थे FD वगैरह, पोस्ट ऑफिस के नेशनल सर्टिफिकेट वगैरह, उन पर महंगाई की वजह से जो रिटर्न मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, ये लोगों को महसूस हुआ है। और कई बार ऐसा होता है महंगाई के चलते कि आपकी जो पूंजी होती है वो कम हो जाती है। लेकिन मेरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के सामने जो बड़ा सवाल इकट्ठा हो रहा है कि लोगों के सामने निवेश तो जब होगा जब देश में बचत पड़ेगी। हम सिप को देखते हैं, उसमें काफ़ी पैसा आ रहा है, लेकिन ये जानकर आश्चर्य हो सकता है बहुत लोगों को कि 2011 के बाद से लगातार देश की बचत दर गिर रही है। एक तो हमारा समाज उपभोक्तावादी हुआ है, जिस देश में टेलीफोन जैसी चीज़ें EMI के लिए प्रस्तुत हो जाएं, लोग टेलीफोन जैसी चीज़ EMI पर खरीदें और अनाप शनाप ब्याज दे दें, तो ये बचत कम होने है। तो मेरा ये है कि एक तो बचत कैसे बढ़ाई जाए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो एजुकेशन होती है या और प्लेटफॉर्म है उसमें, इसमें आज सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि निवेश तो जब आप पहुंचते हैं तो उसके पास पूंजी होती है, वो अपनी बचत कैसे बढ़ाए। यदि कोई भी रिटर्न जो ब्याज दर से 4-5% ऊपर है, जितना महंगाई है उससे यदि आपका रिटर्न 4-5% ज़्यादा है तो बहुत बढ़िया रिटर्न है, उससे ज़्यादा के फेर में मुझे लगता है लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा नफे के नुकसान में 92 में हर्षद मेहता कांड देखा, पारिक कांड देखा, कई बार ऐसे किस्से हो चुके हैं जब अंधी आती है, लोग निवेश मार्केट में आ जाते हैं, पान वाला भी पूछने लगता है गाँव में निवेश कर दूँ। जब अंतिम आदमी ये पूछने लगे कि अब मैं निवेश स्टॉक मार्केट में जाना चाहता हूँ या म्यूचुअल फंड में, मुझे निवेश बता दीजिए, तब आप समझ जाइए कि आपके लिए सोचने के लिए समझने के लिए बहुत समय आ चुका है। लेकिन जिस तरीके से म्यूचुअल फंड ने लोगों को निवेश के नए एक नया रास्ता दिया है, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और ये आने वाले समय में ही लोगों की दूसरी एक बात जो है कि बचत की महत्व क्यों है देश में, जितना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हम उसमें बहुत पिछड़ गए हैं। शिक्षा पिछड़ गई है, बहुत महंगी हो गई, स्वास्थ्य का कुछ पता नहीं है, पानी पीजिए तो आप घर में फिल्टर लगाइए उसका खर्चा अलग है, बिजली लेनी हो तो इन्वर्टर लगाइए, यानी कि जब पूरा सोशल स्ट्रक्चर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसे में आप सोचिए रिटायरमेंट के बारे में, आज हर आदमी को कुछ सोचे या ना सोचे रिटायरमेंट फंड कैसे बनाएगा, क्योंकि आने वाले समय में आप जो सोचें जो 20 साल पहले तक था कि कैसे बच्चे परवर देखभाल कर देते, अब वो समय आ गया है कि बच्चे आपकी देखभाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके ही खर्चे बहुत हैं। तो मेरा तो यही आज होगा कि सब लोगों को सबसे पहले बचत अपने लिए करना चाहिए, पे टू योर सेल्फ, सबसे पहले आप अपना भुगतान करें और रिटायरमेंट फंड बनाएं।